अपनी विचार शक्ति को स्वस्थ और कार्यशील रखने के लिए प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें, 10 मिनट का वक्त दें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिए गए हैं 12 बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस का अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है। 12 बॉक्सेस में 4 बॉक्सेस के वैल्यूज दिखाए गए हैं। चारों बॉक्सेस के वैल्यू है 1। रिमेनिंग 8 बॉक्सेस हमने भरने हैं। रिमेनिंग 8 बॉक्सेस में कौन से नंबर भरने हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के स्क्वायर्स भरने हैं। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह आगे बढ़ेंगे और 9 का स्क्वायर होगा 81। और इन 8 बॉक्सेस में 8 नंबर्स इस तरह से भरने हैं कि किसी भी रो के 2 रोज हैं, दोनों रो के 4 नंबर को हम ऐड करें तो हमें सम मिले 102। इसी तरह से 2 कॉलम्स हैं, किसी भी कॉलम के 4 नंबर को हम ऐड करें तो हमें सम मिले 102। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को रोकें, अपने से सॉल्व करें। तो चलिए अब देखते हैं मेरा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 ब्लॉक को नाम दे देंगे ए से लेकर के एच तक का, सो दैट सॉल्यूशन के स्टेप्स हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, आसानी से समझ सकें, आसानी से लिख सकें। हमने 8 ब्लॉक में ए टू एच लेटर्स लिख दिए। नंबर्स कौन कौन से हैं? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। अब इन 8 नंबर्स को हमने 8 बॉक्सेस में रखना है। इसका अर्थ है इनडायरेक्टली 8 से लेकर के एच तक के वैल्यूज हमें निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं, मैं रिपीट कर दूं, नंबर्स कौन कौन से हैं? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। लॉजिक क्या होगा? हमने पॉसिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। पहली पॉसिबिलिटी G+1+1+H=102। G+H=100=36+64। इसका अर्थ क्या होगा? G और H का मूल्य 36-64 हो सकता है या 64-36 भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन लेते हैं, A+1+E+G=102। दैट मीन्स 2 कंडीशन है यहां पर, A+1+E+36=102। G का वैल्यू दिया हमने 36, या A+1+E+64=102। यहां पर हमने G का मूल्य लिया 64। दो पॉसिबिलिटीज हैं, A+E=102-37, 65 या 102-65, 37। 37 पॉसिबल नहीं है, इसलिए A+E=65। 65 का ब्रेकअप 16+49। A और E का मूल्य 16-49 होगा या 49-16 होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी लाइन लेते हैं, A+B+1+C=102। A का मूल्य या तो 16 होगा या 49। दो पॉसिबिलिटीज हैं, 16+B+1+C या 49+B+1+C=102। B+C 102-17 85 = 4+81, ये पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी 102-50 = 52। 52 पॉसिबल नहीं है, इसलिए B और C का मूल्य होगा 481 या 814। हमारे पास 2 नंबर्स बच गए,
दो लेटर्स बच गए, डी और एफ, इसलिए डी और एफ का मूल्य होगा 925 या 25.9। हमें आठों वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज मिल गई। जी एच का मूल्य होगा 36.64 और 64.36, ए का मूल्य होगा 16.49 और 49.16, बी सी का मूल्य होगा 481 और 81.4, और डी एफ के वैल्यूज होंगे 925 और 25.9। अब इन नंबर्स को प्लेस करना मुश्किल नहीं है। 81 और 1 को यूज करें तो 102 विल बी इक्वल टू 16 प्लस 81 प्लस 1 प्लस 4। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी 81 के साथ है नहीं। इसी तरह का लॉजिक अप्लाई होगा 49 के साथ, नेचुरली ई विल बी 49। इसी तरह से आप दूसरे कॉम्बिनेशंस को ढूंढ सकते हैं। इन वैल्यूज को किस तरह से यूज करना मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आंसर मैंने आपको बताया। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी एनालिटिकल एबिलिटी का विकास होगा। मैं यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप जितनी भी पजल आगे देखेंगे वीडियो को रोक दीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए, प्रोसेस और आंसर कंपेयर कीजिए, रादर प्रोसेस कंपेयर कीजिए, प्रोसेस सीखना है। इसी तरह अलग अलग कुशलताओं का विकास करते हुए 501 पजल की इस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में अवश्य मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।